हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एसी का एनसी का अप्रोक्सीमेटी स्विच देख रहे हैं। ब्लू एसी, एनसी, ब्राउन, ब्लू, ये येलो है, किसी में भी दे सकते हैं। टाइप एसी एनसी, सेंसिंग करंट 8 mm, ऑटो डायोड 18 mm, वोल्टेज 22 250 वोल्ट एसी है। मैक्सिमम लोड जो है 100 mA। इसको कनेक्ट करके हम लोग ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर का प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोग इसको एक कनेक्टर में फेज में दे रहे हैं। दूसरा उठा के हम लोग ए वन टर्मिनल में दे रहे हैं। ए वन टर्मिनल में दे दिए, एक कॉमन 50 नंबर में दे रहे। कनेक्शन एक बार समझाता हूँ। यहाँ से फेज उठा के कनेक्टर के एंड में हम लोग फेज कनेक्ट कर दिए। यहाँ से एक फेज ये आउट यहाँ आउट से एक फेज उठा के सेंसर में दे दिए। सेंसर का आउट जो है हम लोग ए वन टर्मिनल में दे दिए, ठीक है ना। अभी हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं। अभी एक बार ये करने से हम लोग 3 सेकंड या 10 सेकंड हम मिनट में सेलेक्ट करके रख सकते हैं। एनसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हम लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 10 सेकंड का डिले टाइमर है, 10 सेकंड या मिनट में हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे एक बार क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। ये जैसे गोडाउन वायरिंग या ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर्स, जैसे हम लोग पासिंग एरियाज रहते हैं ना, उसमें हम लोग ये सेट करके रख सकते हैं। 2 मिनट या 3 मिनट जैसे भी चाहिए हम लोग सेट करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ इंडक्टिव सेंसर ले लिया। हम लोग एनसी में हम लोग कैपेसिटिव सेंसर रख के हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। एक बार ऑन करने से 10 सेकंड के लिए रुक जाता है। हम मिनट भी सेट कर सकते हैं, हम 1 से लेकर 60 मिनट तक सेट करके रख सकते हैं। एक बार ऑन करने से इतना टाइम के लिए रुक सकता है, इतना टाइम के बाद अपने आप 5 मिनट के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। एक बार ऐसे सेट ये करेंगे तो 5 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे ये एनसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इंडक्टिव सेंसर है। इसमें कैपेसिटिव सेंसर्स भी मिलते हैं जो अपने हाथ से ऑन होते हैं। एनसी कैपेसिटिव एनसी में ले लेंगे तो वो काम करेगा 10 सेकंड के लिए।